Hello guys, welcome back again. Today's topic is average velocity. So today we will discuss about average velocity in this video. So let's get started. तो ये जो टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी, ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है. और एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज होती है उसका जो एवरेज होता है. डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज होती हैं तो उनका कैलकुलेट करके क्या निकाला जाता है, एक एवरेज निकाला जाता है. उस एवरेज वेलोसिटी जो आती है उसको बोला जाता है एवरेज वेलोसिटी. सो द अरिथमेटिक मीन ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज पजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी बार. ठीक है, यहाँ पर सी बार इज इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस सी फोर डॉट 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 आगे सी एन अपॉन एन. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय सी बार इज इक्वल्स टू रूट एट आर टी अपॉन पाई एम. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है कि जो गैस के जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो वेलोसिटी का जो एवरेज निकल के आता है उसको बोला जाता है एवरेज वेलोसिटी. बस ना सा ही ये टॉपिक है. तो आई होप आपको एवरेज वेलोसिटी अच्छे से क्लियर हो गया होगा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.